आज हमारे यहाँ पे आने वाले हैं चार बार के पूर्व विधायक इंद्रदेव जी, तो उनके जो है उनसे मिलने के लिए तैयार हैं सभी लोग यहाँ पे गांव के, और तैयारियां चल रही हैं। मामा जी क्या कह रहे थे आप, क्या क्या कराया था इंद्रदेव जी ने यहाँ पे? जितने भी अंदर खड़े हैं, हाँ इंद्रदेव की मेहरबानी, हैंडपंप जितने भी लगे हुए हैं, ठीक है, काफी डेवलपमेंट की थी उन्होंने अपने टाइम में। तो मंदी भाई क्या कहना है आपका, कुछ लोग कह रहे थे कि आप जो है बढ़िया चेहरा है, हैं बहुत बढ़िया चेहरा है, और अगर गांव में आ रहे तो हमें उनका वेलकम करना चाहिए, मिलने आ रहे हैं अगर, जी ठीक है। सभी हमारे ग्रामवासी भाई बंधु आ चुके हैं, ओहो चाय जी भी आ गए हमारे, बड़ी रखो जाएगी आ जा नमस्कार। बैठ सर, बैठिए, बैठता मुझसे बात हुई थी आप, मैं जो हूँ विधायक जी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने गांव में, कि वो जो है यहाँ पे पधारे हैं और जो उन्होंने कार्य किए हैं वो हम लोग सभी को पता है कि बहुत इनकी तरफ से काम हुए पहले भी यहाँ पे, और आगे भी अगर इस तरह का जो है मौका बनता है तो हमारा जो है पूरा सपोर्ट रहेगा। आदरणीय विधायक मुझे जी और गांव में पहुंचे हैं और उनके साथ जो अन्य कार्यकर्ता है, हमने ग्राम लोग से उनका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ वो यहाँ पर आए, और पहले भी इन्होंने हमारे गाँव में कई बार हम विजिट किया है, गाँव की समस्याओं का भी समाधान किया है, हमारे गांव में जो है करंजे जो विषय है अब तक इन्हीं के देने इधर करंजे किसी ने बिछाए गाँव में जितने इन्होंने बिछाए, तो मैं इनकी बहुत तारीफ करता हूँ, और सिग्नल है जो हैंडपंप लगे हैं सब हैंडपंप इनके कार्यकाल में लगे हैं, और आगे भी मतलब इन्हें जो भी हम इनके पास जब भी गए हैं चक्की में वो मेरा विधायक जी की देन है, उसमें 70 कनेक्शन थे, मैंने वो जो है विधायक जी ने कहा कि मेरे पास आओ, विधायक जी अरोज जी सेवा जी एक्शन थे उनके द्वारा जो है उन्होंने वहाँ भेजा, उन्होंने जो है तुरंत पास कर दिया। एक एक हमारे गाँव में जो और हम इनके साथ पहले भी साथ थे अब भी साथ है, ये हमारा इनके जो है गांव का प्रयास रहेगा, इन्होंने हमारे गांव के लिए जितना भी किया है हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं, और इनसे आशाएं है कि आगे भी हमारे गांव के लिए कार्य करते रहेंगे और हम जो है अपनी समस्याओं को लेकर जब जाएंगे कि हमारी समस्याओं को आगे तक पहुँचाएंगे और हमें बहुत सहयोग करेंगे, तो धन्यवाद। और नमस्कार, आदरणीय विधायक जी का पूरे गांव की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन, जो विधायक जी आए हैं और हमने सुना है हम सभी से कहते हैं कि विधायक जी ने जो अपने कार्यकाल किए हैं बहुत अच्छे काम करे हैं, जो सुना है हर कोई ये बोलता है कि इनको मिलेगा तो ये जीत जाएंगे, अभी भी यही उद्देश्य है कि सही आदमी को टिकट मिलने के मिले और उसमें सब सहयोग करेंगे, और सही का हर कोई साथ ही देता है वैसे, और सही आदमी की पीठ पीछे भी तारीफ होती है, तो विधायक जी की हम तो सुनते हैं हर जगह यही होता है कि उनको टिकट मिल जाए तो हम तो एक तरफा हो जाएगा, ये हम तरफ आगे ईश्वर की इच्छा है वो कैसे चाहते हैं, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे गाँव में आए और आगे भी आप ऐसे ही दृष्टि लगाए रखें और गाँव की सुख दुख में अगर साथ हमें मिल जाए विधायक जी का, तो यहाँ बहुत कार्य है जो होने के लिए हैं,
कई बच्चों के जैसे प्लेग्राउंड बनना है, यहाँ भी कई जंगलों में समस्याएं आ रही है, बाघ आ रहा है, हाथी आ रहा है, किसानों को मतलब जो कमा रहे थे वो अब उनको नहीं मिल पा रहा है, कुछ तो मौसम कर रहा है, कुछ जानवर कर रहे हैं, अब कुछ किसानों को भी समझ नहीं मिल पाता हर समय, तो जान जोखिम में देखे वो जा रहे हैं। तो हम यही आशा करेंगे विधायक जी से कि हमारे इन चीजों की जो भी समस्या है और उनके हाथ में जितने भी होता है इसको समाधान कर दें। ये बाघ वाला और हाथी वाला जब किसानों की बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, जो वन विभाग से हम बात करके कि सभी मिलके इसमें और एक वन विभाग की अगर चौकी आ जाए यहाँ, तो इसके लिए ये सब विधायक जी अगर इसमें संज्ञान मिले उसको आगे अगर सीख करें, और हम लोग सब साथी हैं, सबने एकजुट रहना है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुआ है सर, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे पूर्व विधायक श्री इंद्रजीत जी, उनके रघुवीर सिंह रावत जी, उनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम जो आज यहाँ पे हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी जो है आज आज लगे गए हैं ये है उसके बाद आज तक पे ना तो भरंजा लगा है ना हेडपम्प लगा है। मैं जय जी से अनुरोध करूंगा कि आगामी डिप्टी कोई भी मैं तो चाहता हूँ कि भगवान जी से मिले, तो मैं इनसे आगे जो भी कार्य होगा जो भी मतलब होगा हम इनसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए मैं धन्यवाद जय। आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित, हमारा सौभाग्य है कि जरूर कुछ हमारे भूतपूर्व सैनिक यहाँ उपस्थित हैं और हमारे उन जाबाज सम्मान के योग्य भूतपूर्व सैनिक और उनके आप सभी वंशज जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको मैं नमन करता हूँ। विषय हमारे सामने हमारे भाइयों ने रखा है, तो दो तीन चीज तो मैं रखना चाहता हूं जो कार्य हमारे कार्यकाल में ऐसे हुए जिनको हमें जरूर स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे हमारे बाद की पीढ़ी के भी लोग हैं जो शायद जब हम विधायक होंगे तो चार चार छह छह या आठ दस साल के होंगे, वोट भी नहीं डालते होंगे उस समय, उनके भी संज्ञान में आए बहुत सारी चीजें। चीजों का दिखावा करना और वास्तव में काम करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जिस समय पहली बार विधायक बनाया आप लोगों ने हमें 91 में 1991 में, तब के भी कुछ लोग हैं, पैसा ना के बराबर आता था विकास के लिए, मुझे ध्यान है आज भी, पहली योजना में 1991 में सिर्फ 3.25 लाख रुपया विकास के काम के लिए आया था कि भाई इसमें सड़क बनवा लो, कहां कहां बनवानी है क्षेत्र में, 3.25 लाख में उस समय मुझे ध्यान है महंगाई आज की तुलना में काफी कम थी, तो 1.5 किलोमीटर सड़क हम बनवा पाए थे।
वो भी दो गांव में बनवाई। खैर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस समय स्थिति क्या थी पैसे के मामले में, क्योंकि विकास सिर्फ पैसों से ही होता, बिना पैसे के तो होता नहीं। सरकार पैसा दे, सरकार के पास पैसा हो तो विकास होता है। आज तो बहुत प्रचुरता है, सरकार चाहती है कि भाई हाँ हमें काम बताए जाएं और हम पैसा दें और काम हो, विकास हो, लोगों की समस्याओं का निराकरण हो। उस समय आप चूंकि हमारी ये भूतपूर्व सैनिक कॉलोनियां, तो राष्ट्रपति जी की योजना के अंतर्गत ये उस समय भी सड़क से जुड़ी हुई थी। बाकी गांव जो थे उनमें से पूरी विधानसभा क्षेत्र में 10% गांव सड़कों से जुड़े हुए थे, अन्यथा 90% गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे। आप भूतपूर्व सैनिक कॉलोनी के अलावा कोई भी गांव पे निगाह दौड़ा लो, उस समय सड़क से जुड़ा हुआ नहीं था कोई भी गांव। और क्षेत्र इतना बड़ा था, आज भी लगभग वैसा ही है, कि आसपास की 3 विधानसभाओं को मिलाओ तो अफजलगढ़ या बढ़ापुर के बराबर विधानसभा होंगी वो 3। उधर नदियों के पानी के कारण समस्याएं, जो काम हुए उनको तोड़ना, कटाव करना, फसलों का नुकसान करना, जंगली जानवरों के कारण समस्याएं। यहां मतलब मैं तो ये कहता था, जब मंत्री से किसी से बात करता था, मैंने कहा भैया नाम हमारे क्षेत्र का अफजलगढ़ है, वैसे वो समस्यागढ़ है, समस्याओं का पुनिंदा है हमारा क्षेत्र, समस्याएं बहुत थी। खैर ऐसे समय में हमने वो जो 90% गांव रह गए थे जुड़ने से, मैं समझता हूं उनमें से जो छोटे मोटे मजरे टाइप के 2%, 3% या ज्यादा 5% गांव बचे होंगे, अन्यथा सब गांव को सड़कों से जुड़वाया अपने कार्यकाल में। सबसे बड़ा एक काम क्या था कि हमारा अफजलगढ़ से इधर का जो हिस्सा था, यहां पे चूंकि चट्टाने हैं नीचे पहाड़ों के कारण, पक्की चट्टाने हैं, तो यहां हैंडपंप नहीं लगते थे। कोई ऊपर के लेवल पे अपना हैंडपंप भले ही लगा लो, छोटे वाले हैंडपंप, लेकिन सरकारी हैंडपंप यहां नहीं लगते थे। मौका ढूंढते हम भी, उस समय अवसर यह था, कारगिल का युद्ध होकर के चुका था, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, अच्छा काम था। जो उनके परिवारजन थे उनको बहुत सुविधाएं सरकार दे रही थी, वो भी अच्छा ही काम था। तो हमने ऐसा मौका ढूंढा अच्छा कि भाई ये अवसर ज्यादा अच्छा है हमें अपनी समस्या रखने के लिए, क्योंकि पेयजल की समस्या पूरे क्षेत्र में थी, यहां पर टंकी गिनी चुनी जगह थी, हैंडपंप थे नहीं। तो हमने वहां पर विधानसभा के अंदर हमारा बोलने का वो लगा हुआ था, तो हमने उसमें बात अपनी यूं रखी कि भाई सरकार कारगिल के शहीदों को, उनके परिवारजनों को सुविधाएं दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना जीवन अर्पित किया है। फिर बाद में हमने कहा हमारे क्षेत्र में भी 14 गांव हैं, भूतपूर्व सैनिक कॉलोनियां हैं, जिनमें देश के लिए अपने प्राण देने वाले चीन के युद्ध में, पाकिस्तान के युद्ध में उनके परिजन हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो युद्ध लड़ने के बाद, दुश्मन को मारने के बाद भी अपने आप को बचा पाए, ऐसे भी जांबाज हैं। तो हम उनके परिजनों को या उन लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, ये कितनी शर्म की बात है। ये बात हमने रखी विधानसभा में पूरा लंबा भाषण। अब वो मंत्री जी को लगा यार, मतलब सामयिक उसको जोड़ करके कारगिल युद्ध को हमने आपकी समस्या रखी इधर। तो मंत्री जी ने मेरे पास पर्ची भिजवाई कि यार इंद्रदेव जी आप मेरे से बाद में मिलो। मैं उनके ऑफिस में गया, उन्होंने कहा मुझे पूरी बात बताओ, उसको ओडेक्स मशीन बोलते थे। हमने कहा जी वो मशीन है वहां से मंगवाओ, 2-4 मशीन है होंगे, है फिर बोरिंग होंगे। तो उन मंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, महंगी ना होती थी। अब हमको भी लगता था बड़ा विचित्र कि रहने वाले हम यहां के, मान लो भीकावाला के,
मुरली वाला के कहीं के अफजलगढ़ के या अफजलगढ़ के आगे के गांव के निकल के जा रहे हैं धामपुर को, और तहसील है हमारी नगीना। जब हम धामपुर को निकल के जा रहे हैं तो हमारी तहसील धामपुरी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके लिए लड़ाई लड़ी हमने, वो सबसे बड़ा काम था, कठिन काम था, और हमने अपनी तहसील नगीना से हटवा करके धामपुर करा करके ही दम लिया। फिर उसके बाद हमने आवाज उठाई कि अगले चरण में हम अफजलगढ़ को तहसील बनवाएंगे, लेकिन उसके बाद 2007 के बाद हमको अवसर नहीं मिला। आप ये देखिए, आप लोगों को याद होगा अफजलगढ़ तहसील तो नहीं थी, लेकिन मैं जब तक विधायक रहा हमारा तहसील दिवस कासमपुर गढ़ी ब्लॉक पे होता था। तहसील दिवस, तहसील नहीं थी अफजलगढ़, लेकिन तहसील दिवस जब तक मैं विधायक रहा कासमपुर गढ़ी ब्लॉक पे होता था, सारा डीएम वीएम सब वहां करके मौजूद होते थे। हम हट गए, तहसील दिवस भी बंद हो गया वहां होना, क्योंकि जब तहसील नहीं है फिर भी तहसील दिवस वहां कराना ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी थी। ये कुछ ना कुछ उसके के पीछे ताकत और बुद्धि लगाने की आवश्यकता थी। हमारे बात बंद हो गई। सीओ का दफ्तर हमारे ही कार्यकाल में बना, आप देखते हैं पूरे जिले में देख लो, सीओ का कार्यालय जहां तहसील है वहां है, धामपुर है, नगीना है, नजीबाबाद है, बिजनौर है, चांदपुर है, उसके अलावा अगर कहीं है तो वो अफजलगढ़ में है बिना तहसील हुए भी। वो कराया गन्ना समिति, हमारी कोई गन्ना समिति नहीं थी अफजलगढ़ वालों की, उसका गठन कराया हमने, उसके लिए मेहनत की। तो बड़े बड़े काम भी और छोटे काम भी बहुत कराए हमने। जो इधर वन विभाग वालों से लड़ करके आप लोगों भी साथ में रहे, हमारे किसान भी, ये दीवार वार इधर नहीं होती थी बहुत सारे एरिया में, शायद अब भी नहीं होगी बहुत सारे उसमें तो, लेकिन वन विभाग की बाउंड्री पर दीवार भी बनाई उन्होंने हमारे कार्यकाल में। तो बहुत सारी समस्याएं थी जिनका, ये हमारे गंगा पार के गांव हैं, चार बार सरकार ने, क्योंकि इन गांव तो बहुत सारे हैं लेकिन इनमें से बहुत सारी आबादी ऐसी है भोगपुर की भी, चंपतपुर चकला की भी और बदपुरी की भी, जो सरकारी जमीन पर है, जिसको राजकीय आस्थान की जमीन बोलते हैं, वो जमीन है लेकिन गांव बसे हुए हैं, लोग रह रहे हैं। तो जब भी कोई नई सरकार आती, नया आदमी मुख्यमंत्री बनता, पता नहीं कौन उन्हें पहाड़ा पढ़ाता है कि ये हमारी जमीन है और इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा, इन्हें हटाओ यहां से। एक बार मुलायम सिंह जी ने, एक बार उसके बाद मायावती जी ने, एक बार उसके बाद हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री थे रामप्रकाश गुप्ता जी, ये तीन बार तो मेरे ही विधायक के कार्यकाल में कि भाई इन्हें उजाड़ो यहां से। और यहां पे आखिरी बार तो मुलायम सिंह जी ने ये करा कि यहां पीएससी की छावनी बनाएंगे, मायावती जी ने ये करा कि यहां पट्टे कर देंगे कुछ लोगों को। उसके बाद हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि कॉस्मिक सिटी 1600 करोड़ रुपए मंजूर कर दिया था, फाइल बिल्कुल मंजूर हो गई थी गंगा पार में, ये गांव खत्म करके और यहां एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक शहर बनाने के लिए 1600 करोड़ रुपए सरकार ने उस समय दे दिया था। अब वो तो एक पक्ष हो गया, सरकार ने 1600 करोड़ रुपए दे दिया, लेकिन जो लोग वहां रह रहे थे उनके, उनकी क्या हालत थी? खाना अंदर ना जाए, खाना खाए तो, जिस दिन तहसील में आदेश आ गया रात को ही मेरे पास आए लोग कि साहब हम तो, सही बात थी, सड़क पर खड़े हो जाते, वो कहां जाते, हाथ में भीख का कटोरा होता, एक बार पाकिस्तान से भागे अब अपने देश से भागे, भागते तो और जाते कहां। मैं बोला चलो कल को मुख्यमंत्री लखनऊ चलते हैं हम। अगले दिन हम शाम को रात को ट्रेन पकड़ के लखनऊ गए, सुबह मुख्यमंत्री जी से मिला मैं। आप पूछना, मेरे साथ दो लोग थे, मैंने कहा साहब आपने बहुत अच्छा करा 1600 करोड़ दे दिया, हम उसके आभारी हैं, लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जाएंगे उनके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया कि ये लोग कौन हैं, क्या ये भूमाफिया हैं,
मैंने किसी ने आपको यही बताया होगा कि ये भूमाफिया है, लेकिन ये भूमाफिया नहीं है। ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान से, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय अपनी माता बहनों के सम्मान को, उनके प्राणों को, अपने बच्चों के प्राण को, भाइयों के प्राणों को अपने सामने, अपनी आंखों के सामने सब लूटता पिटता कटता हुआ देख करके वहां से आए हिंदुस्तान में। उसके बाद पंजाब में आए, अब इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था अपनी जमीनों का, जमीनें नहीं थी, ये कुछ ऐसे लोग थे, रिकॉर्ड नहीं था जमीनों का। तो जहां भी आते रहे वहीं से आगे इन्हें धकेलते चले गए और आगे आते चले गए, यहां तब ये लोग आए थे। यहां क्या सब हिंदू समाज के लोग हैं, आप इन्हें उजाड़ोगे तो आरोप लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदू समाज के लोगों को बेघर बार करके सड़क के ऊपर खड़ा कर दिया। मैंने कहा मायावती और मुलायम सिंह को भी मेरे विरोध के कारण ये कदम वापस लेना पड़ा था, पहले उन्होंने वापस ले लिया और आप नहीं लोगे तो आप पे तो बहुत आरोप लगेंगे कि चलो वो तो हिंदू परस्त नहीं थे, लेकिन हमारी तो हिंदू परस्त सरकार है भारतीय जनता पार्टी। मैंने कहा लोग आपको उखाड़ के फेंक देंगे। तो वो खैर बहुत समझदार हमारे मुख्यमंत्री जी थे। मैंने कहा जी देखो मैं आपके चरणों में यहाँ प्राण त्याग दूंगा, ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा जब तक आप इसे वापस नहीं करोगे। उन्होंने, दो लोग आज भी मौजूद हैं जो गए थे वहां मेरे साथ, उन्होंने कहा यार फाइल लाओ, अच्छा हो उसे कानपुर ट्रांसफर करते मेरे सामने ही फाइल मंगाई, यहां से कैंसिल किया उसको और कानपुर के लिए ट्रांसफर किया। तो बहुत लड़ाइयां, मुसलमान भी जो हमें वोट नहीं देता होगा है वो भी ये कहता है यार इंद्रदेव जैसा आदमी नहीं हो सकता। तो इसलिए कि हम लड़े, लड़ करके समस्याओं को संघर्ष हल कराया, अपने लिए अपने स्वार्थ को कभी वरीयता नहीं दी, उसको पूरा करने की कोशिश नहीं की। इस कारण से तो बहुत सारी समस्याएं हमारी हल हुई जो आपके आपको साथ लेके ही संघर्ष किया। अब हमारे सामने कुछ समस्याएं हमारे भाइयों ने बताई हैं, निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं, समस्याओं को एक बार हमारे पास बैठेंगे, लिख करके आप उसका कोई वो देंगे प्रत्यावेदन, उसके बारे में आप और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लड़ना है, कैसे हल करना है, क्योंकि कुछ समस्याओं के लिए थोड़ा सा करना पड़ता। जैसे मैं बताऊं अभी 2 साल पहले भी माननीय योगी जी ने भी, उनको भी बहकाया होगा किसी ने, तो उन्होंने भी यहां पीएससी की छावनी बनाने का आदेश कर दिया था गंगा पार में, है? तब लोग जहां उन्हें जाना चाहिए था वहां गए हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हो पाई। तो उन्होंने कहा, सोचा कि चलो भैया फिर पुराने वाले के पास चलो, उन्हें अनुभव है, हैं? मेरे पास आए, मैंने फिर अपना चक्र घुमा है। हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो चीज हमारी लड़ाई वैधानिक होती है, तो लड़ना तो पड़ता है, कभी कभी लड़ाई लंबी भी होती है, लेकिन हम करा के ही उसको दम लेते हैं फिर, ठीक है ना, जब लगे रहेंगे तो उनके बारे में मेरा इतना ही कहना है। मेरा आगे थोड़ी सी बात मैं और ये कहना चाहता हूं, देखो चीजें बहुत सारी हैं, बहकाने वाले भी, राजनीतिक दल भी, और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में एक विपरीत दिशा में हम सबको मोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन है क्या कि जो हमारा हिंदू समाज है आज दुनिया में कई तरीके से विरोधियों के टारगेट पे है। एक संगठन है विश्व हिंदू महासंघ, उसका मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूं, तो जाता हूं दूसरे जिलों में भी, कार्यक्रम लगे होते मेरे, मतलब हम बहुत बारीकी से चीज को आज अन्वेषण करने की उसकी आवश्यकता है। मान लो हमारे विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, टेलीविजन पे भी आया, हिंदू हिंसक है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हिंदू मारकाट करता है, मारकाट में हिंदू विश्वास करता है, उसका मतलब यही होता जो मेरी समझ में आया। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, बांग्लादेश में अभी विवाद हुआ, लड़ाई किससे थी? शेख हसीना से। शेख हसीना ही है वो जो मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री थी वहां, राष्ट्रपति। घरों पे हमला किसके किया गया? हिंदू समाज के लोगों के। इज्जत किनकी लूटी गई? हमारी माता बहनों की। मंदिर किसके जलाए गए? हमारे। मतलब तुम लड़ाई लड़ रहे हो शेख हसीना के खिलाफ, लेकिन हिंदुओं के घर जला रहे हो, हिंदुओं की मां बहनों की इज्जत लूट रहे हो, बेटियों की इज्जत लूट रहे हो, हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हो। टारगेट पे तो हम नहीं थे, फिर हमारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार? लेकिन हां, टारगेट पे हम ही हैं। क्योंकि आज ये चल रहा है कि ये हिंदू जो है यही ऐसा है कि जिसने इतने वर्षों के संघर्ष के बाद, अत्याचारों के बाद, गुलामी के बाद भी हार नहीं मानी और हमेशा संघर्ष करता रहा, और अपने आप को हिंदुओं के साथ कश्मीर में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, बंगाल में क्या हो रहा है, ये तो अब की स्थिति है, है? अगर हिंदू हिंसक होता तो निश्चित रूप से वो वहां कश्मीर में नहीं करता एक बार को, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया और राज्यों में तो कर सकता था, लेकिन उसने वो भी नहीं। वर्ष के अंदर तमाम मस्जिदों में विस्फोट होते और हमले होते, पाकिस्तान में हो रहे हैं, कोई महीना नहीं जाता और मुश्किल से 10 दिन जाते होंगे जो पाकिस्तान में किसी मस्जिद में विस्फोट ना हो, पुलिस के काफिले पे विस्फोट ना हो, या किसी आबादी में विस्फोट ना हो। अब वहां कौन कर रहा विस्फोट? हिंदू तो नहीं कर रहा, हिंदू तो नहीं कर रहा। कोई बजरंग दल वाले जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, विश्व हिंदू महासंघ वाले, आरएसएस वाले जा रहे हैं, बीजेपी वाले जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा वहां विस्फोट करने, है? वही कर रहे हैं। तो हिंसक कौन हुआ? हिंसक कौन हुआ भाई? उन्हें वहां हिंदू नहीं मिल रहे तो मुसलमानों को मार रहे हैं कि ये शिया है, हम सुन्नी है, या हम सुन्नी है, ये शिया है, ये अहमदिया है, ये वहां के हैं और ये वहां के हैं। मतलब तो हिंसक कौन हुआ? अगर हम हिंसक होते तो फिर हिंदुस्तान की किसी, वहां हर हफ्ते हो रहा मस्जिद में विस्फोट, और हिंदुस्तान में हिंदू होने के बावजूद यहां पिछले 10 साल में किसी मस्जिद में विस्फोट नहीं हुआ। तो हिंदू को जो हिंसक बताते हैं वो वास्तव में हिंदू को कमजोर करना चाहते हैं, हिंदू को बदनाम करना चाहते हैं, और हिंदू को कमजोर करके इस सत्ता को देश की हथियाना चाहते हैं और देश को भी कमजोर करना चाहते हैं। हमको रस्सा कशी चल रही है दुनिया के अंदर। एक तरफ हमारी संस्कृति है, कुछ लोग हैं सपोर्ट करने वाले भी, हम ये नहीं कहते, लेकिन विरोध में लगे हुए हैं हिंदू के। और जबकि इस दुनिया के अंदर मेरा कहना यह है कि शांति तभी स्थापित होगी जब हिंदू संगठित होगा, हिंदू शक्तिशाली होगा। उसके बिना दुनिया में आज जो अशांति आप देख रहे हैं ना, अब तमाम लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध तो मोदी खत्म करा सकते हैं, या योगी जी का डंडा गर्म है इसलिए शांति है। जिस दिन योगी जी का डंडा गर्म नहीं होगा या उनका डंडा नहीं होगा, कहीं अखिलेश यादव जी का डंडा आ गया, है? फिर क्या होगा? आप अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, हम फिर शांति नहीं होगी। तो हम सब, मैं तो यही मानता हूं कि हमारी कॉलोनी के लोग तो बहुत बुद्धिजीवी हैं और उन्होंने देश की रक्षा भी की है और हिंदुत्व की रक्षा करने वाले भी सब लोग हैं।
हम भविष्य में जो भी निर्णय हो होगा बहुत अपने देश के लिए भी और अपने हिंदू समाज के लिए भी हित में ही लेंगे। वो अलग बात है कि अभी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आज भी ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारी चीजों को हम भी काम में लगे रहते हैं लेकिन ना आपसे हम बता सकते हैं उनको, ना बताने की हम आवश्यकता समझते हैं, क्योंकि राजनीति भी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को हमें छुपा के भी करना। पिछले एक डेढ़ दो महीने के अंदर टीम है हमारी भी यही क्षेत्र में अपने काम कर रही, छह लड़कियां हिंदू समाज की मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई। एक बार तो हमने उन छह की छह को वापस करा दिया टीम ने हमारी, एक लड़की उनमें से फिर वापस चली गई वहां, एक अभी बीच में इधर उधर हो रही है, लेकिन चार लड़की वापस आ गई। जो वापस आ गई अच्छी बात थी, लेकिन ये हो क्यों रहा है इस पे जाना पड़ेगा। एक लड़की को तो मैंने, हम लोग थे साथ में हमारे कृष्ण कुमार जी भी, बहुत प्यार से उसको समझाया मैंने कि तुम बेटा अपने माता पिता के सम्मान को देखो, तुमने किस धर्म में जन्म लिया, क्या तुम वहां जाके मांस मछली मीट गाय का मांस खाओगी और बनाओगी, बना सकोगी। इस मुद्दे पे कुछ बोलते नहीं, कुछ कार्य नहीं करना चाहते। गोहत्या है, कितने केस हो रहे हैं गोहत्या के, विधायक सांसद बोलते नहीं। समस्या लेकर के आप मेरे साथ बैठेंगे, मैं बिल्कुल आपके साथ बैठूंगा और उसको हल कराने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ूंगा नहीं, जितनी मेरे में ताकत है बुद्धि है आपके साथ उन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करूंगा। इतना ही कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चलो हम सब मिलके सुनाएंगे जो नहीं सुनता। आपका साथ दिया मैंने, बिल्कुल ठीक बात, आपने साथ दिया बिल्कुल, मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं चार बार विधायक बना, मैं ये कहता हूँ हमेशा कि चार बार आपने मुझे विधायक बनाया, भाई आपके बदौलत ही तो बने, आप लोग वोट नहीं। लेकिन तब बनाऊंगा जब रोड मेंटेनेंस होकर टूट जाएगी, अब बताइए कौन सी मेन रोड ये, हाँ जब उसकी रिपेयर होगी तब बनाऊंगा। देखूंगा पहले कहाँ बनने वो, आप रोड दे दीजिएगा। हाँ मतलब कहीं भी तो गाँव वालों का है, कहाँ बनाए मतलब क्या करें, हम तो 3 साल और काट में करेंगे। आज विधायक जी हमारे यहाँ आए हैं, उन्होंने अपने पुराने अनुभव आपके सामने अध्यक्ष किया है, बताया है कि भाई ऐसे हुआ है, अभी जो अभी भविष्य जो है वो गर्भ में है, आगे क्या होता है इसके बारे में तो अभी बहुत जानता है, लेकिन हम चाहते हैं अगर आगे भविष्य में विधायक जी आते हैं तो हमारी उनसे बहुत अपेक्षा है, उन्होंने की ये जो है जैसे आज यहाँ पर कहा है हमने बहुत कार्य किए हैं, भविष्य में करेंगे तो हम इन्हें चाहते हैं कि दोबारा जो है यहाँ पर आए और विधायक बने। इसके लिए मैं जो है मैं एक बधाई देता हूँ कि जो है ये टिकट मिले और जो है एक बार जो है हमारे गांव में जो है क्योंकि लोकसभा का बड़ा चुनाव होता है, जो कार्य किए हैं क्षेत्र के लिए पार्टी के आधार पर चुनाव और अंत में जो है हमारे जो आज के हमारे सभा के अध्यक्ष है श्री रवि सिंह जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने दो शब्दों से हमारे पुराने विधायक आए हुए हैं, हमें बहुत खुशी हुई है और आगे भी हमें उम्मीद है कि ऐसे हमारे विधायक हम चलते रहे और हमें अभी मीरापुर में भी सहारा देते रहे, भाई खत्म हुए थे और हमें आप बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, वो गिल साहब खत्म हुए थे, ये थे इंद्रदेव जी जो है आज हमारे गांव में पधारे थे और हमने इनकी बातें सुनी
तो अगर आपको जो है ये ब्लॉग हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।